इंडोर प्लांट को बाहर निकालते हैं तो कोशिश करें इंडोर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो सनलाइट से बचाने की कोशिश करें, 2 से 3 दिन तक तो छाया में रखें, फिर मॉर्निंग की सनलाइट में थोड़ा ले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा प्लांट के लिए। और पौधों के जो भी शौकीन हैं उनको ये खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी इंडोर प्लांट को अंदर से जब हम बाहर निकालते हैं डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं। राम राम दोस्तों, मैं कंगारू ब्लॉक से राकेश मौर्या, कंगारू ब्लॉक में आपका स्वागत है। मैं आज इंडोर प्लांट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। गाइस ये देखिए, ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर लाइट ग्रीन है, ये सिर्फ ग्रीन है। स्पाइडर की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास सिर्फ अभी एक ही गमला है जो एवर ग्रीन में है, ये लाइट ग्रीन में है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक वैरायटी अब मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए गाइस ये भी स्पाइडर है, काफ़ी बेहतरीन कलर है, बहुत बढ़िया। ये स्टिंग स्नेक प्लांट है गाइस, और काफ़ी कॉस्टली होता है, एवर यूनिफाई है, हवा को साफ करता है। ये घरों के अंदर बहुत रखा जाता है, ये एक इंडोर प्लांट होने से ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये मनी प्लांट है, और घर के लिए अंदर इंडोर प्लांट के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। ये सिलगोनिया है, ये देखिए काफ़ी बेस्ट है, और ये मोनास्टेरिया है, बड़ा होकर इसके पत्ते ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तो काफ़ी देखने में ये भी अच्छा लगता है गाइस। ये देखिए ये केवड़ा है, जो इसकी वैरायटी बहुत कम ही मिलती है, पर मेरे पास काफ़ी सारी है गाइस। ये देखिए ये ड्राई सीनिया है, इसकी एक वैरायटी होती है लाइट ग्रीन में, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये भी ड्राई चीनिया है, ये अरिका पाम है, ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरीफाई भी है। ये आपका क्रिसमस ट्री है, काफ़ी बेहतरीन प्लांट ये भी होता है अंदर के लिए। और गाइस ये डिफन बीचिया, ये देखिए आप, बहुत बढ़िया है, ये सारी डिफरेंट बीच है। और सन ऑफ इंडिया ये है, ड्राई चीनिया और सन ऑफ इंडिया मिलते जुलते हैं, सिर्फ इनके कलर का फ़र्क है। और ये मोनास्टेरिया है, जो बड़ा हो गया है, ज़मीन में है, दीवार के सारे जा रहा, क्रीपर भी बन जाता है, ये तो अपने आप ही चढ़ जाते हैं दीवार पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब भी हम अपने इंडोर प्लांट को बाहर निकालते हैं तो कोशिश करें इंडोर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो सनलाइट से बचाने की कोशिश करें, 2 से 3 दिन तक तो छाया में रखें, फिर मॉर्निंग की सनलाइट में थोड़ा ले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा प्लांट के लिए। और पौधों के जो भी शौकीन हैं उनको ये खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी इंडोर प्लांट को अंदर से जब हम बाहर निकालते हैं डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं। अगर आप 5 गमले अंदर रखते हैं तो हमें 10 बना के रखना चाहिए, जब 5 अंदर जाएं तो 5 बाहर रखो। और मुश्किल गर्मी में तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लंबा टाइम रखोगे तो जो प्लांट की लाइफ है वो कम हो जाती है। अगर आप 5वें 6वें दिन बदल देते हैं प्लांट को तो इससे प्लांट के लिए सबसे बेटर रहेगा, प्लांट की लाइफ भी काफ़ी बेटर रहेगी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा प्लांट के लिए भी। और मेंटेनेंस भी लो होती है इन प्लांटों की, ज़्यादा वो मतलब देखभाल मत करो, पर सनलाइट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए आप, जैसे ये और 3 इंच के करीब खाली है तो इसमें 1.5 इंच हमें खाद डाल देनी चाहिए, जिससे कि उसका अर्क नीचे धीरे धीरे पानी के सहारे जाता रहे, और 1.5 इंच खाली रहेगा जो पानी के स्पेस के लिए बहुत है। तो हर पॉट में ऐसे ही करके रखना चाहिए, और ज़रूरी भी है इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्लांट के जो भी शौकीन हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो एयर प्यूरीफाई प्लांट है उनका नाम मैंने आपको बता दिया और दिखा भी चुका हूँ, और स्नेक प्लांट काफ़ी एयर प्यूरीफाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लो मेंटेनेंस होती है, इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, कॉस्टली होता है बट सही है। पहले लोगों को पता नहीं था एयर प्यूरीफाई कौन से प्लांट है, अब जब से पता लग गया है तो इनके रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, नेटवर्किंग का टाइम है तो एक दूसरे से पता लग जाता है, तो ऐसे भी मोबाइल के जरिए भी पता लग जाता है, तो काफ़ी कॉस्टली हुए बट ये सही है, काफ़ी अच्छा प्लांट है गाइस। तो मेरे ख्याल से तो मैं जो आपको सलाह दूंगा तो ये काफ़ी बेटर है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं गार्डनर का काम करता हूँ, मुझे भी काफ़ी तजुर्बा है, तो मैं अपने तजुर्बे को जो है आप लोगों के सामने
रखना चाहता हूँ, तजुर्बे के सहारे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो इंडोर प्लांट के बारे में मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया, और अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए प्लांट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस कंगारू ब्लॉग को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, जिससे आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग और प्यार मिले, और सहयोग और प्यार के बगैर कोई भी आगे नहीं जा सकता है। पब्लिक के साथ ही कोई भी बंदा जाएगा तो पब्लिक के साथ ही आगे जा सकता है, पब्लिक के द्वारा ही जा सकता है। तो गाइस, इस चैनल को फुल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। राम राम दोस्तों।